हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रूमत इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो 12th क्लास केमिस्ट्री की वीडियो रहेगी और केमिस्ट्री में हमारी एक सीरीज चलाई थी अभी हमने, नाम वाली अभिक्रियाएं, यानी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस। ये बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए थी सीरीज। तो इस सीरीज में हम केवल 20 रिएक्शन कराएंगे इंपॉर्टेंट, और इन 20 रिएक्शन में से ही बोर्ड परीक्षा में रिएक्शन आएंगी, इनसे बाहर आ ही नहीं सकती, ये गारंटी की बात है। तो ये नाम वाली अभिक्रियाओं की जो सीरीज थी उसकी ये दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको कराएंगे वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। याद रखना आप लोग, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया अलग होती है और वोल्टेज अभिक्रिया अलग होती है। तो कुछ कई बार ही क्या होता है कि आता है वोल्टेज अभिक्रिया और बच्चे इसको कर देते हैं, या कभी कभी आती है वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया और बच्चे वोल्टेज अभिक्रिया को लिख देते हैं। वोल्टेज अभिक्रिया अलग होती है और वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया अलग होती है। ये हमेशा याद रखना अपने दिमाग में, आज इंस्टॉल कर लो सॉफ्टवेयर की तरह कि सर जी ने बता दिया है कि वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया अलग होती है और वोल्टेज अभिक्रिया अलग होती है। हम पढ़ने वाले हैं वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। ये अभिक्रिया पढ़ने से पहले दो तीन बातों का आपको पता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। पहले फोकट का ज्ञान मैं आपको दे दे रहा हूँ, क्या कि भाई एल्किल हैलाइड क्या होता है। एल्किल हैलाइड का सामान्य तौर पर फॉर्मूला R सिंगल बॉन्ड X होता है। R की जगह पर आप क्या ले सकते हो, R होता है एल्किल समूह, जैसे कि CH3, C2H5, C3H7, इस तरीके से ऑन कहीं तक लेते चले जाओ। और X क्या होता है, हेलोजन परमाणु होता है, और X की जगह पर आप Cl, Br, I और F ले सकते हो। यदि इन दोनों को हम जॉइंट कर देते हैं तो बन जाता है एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड का नॉर्मल तरीके पर CH3, Cl या C2H5, Br कुछ भी ले सकते हो आप। CH3 Br ले लो तो मेथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड, एथिल आयोडाइड, एथिल फ्लोराइड, मतलब कुछ भी। ये सभी क्या होते हैं, एल्किल हैलाइड होते हैं, क्योंकि इसमें एल्किल समूह ये है और ये हैलोजन समूह है। एल्किल समूह और हैलोजन समूह जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एल्किल हैलाइड बनाते हैं। पहली बात समझिए कि एल्किल हैलाइड वास्तव में होता क्या है। दूसरी बात और सीखो, एक होता है एरिल हैलाइड। क्या, एरिल हैलाइड। जिस तरीके से एल्किल समूह पर हमने हैलोजन जोड़ा है उससे एल्किल हैलाइड बना है, ठीक उसी प्रकार से हम बेंजीन के ऊपर हैलोजन परमाणु जोड़ देंगे तो ये एरिल हैलाइड होता है। क्या होता है, एरिल हैलाइड। जैसे कि ये वाला Br ले लो, Cl ले लो, I ले लो, कुछ भी ले लो, ये सभी क्या है, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ये सभी क्या होते हैं, आपके एरिल हैलाइड होते हैं, राइट। चलिए एक मिनट, तबीयत खराब होती दिखा है, ठीक है। चलिए, तो एरिल हैलाइड समझ में आ गया, एल्किल हैलाइड समझ में आ गया, ओके। चलिएगा, बस यही चीज है इस सिंपल तरीके से, ये दो चीजें पता हैं तो आगे बढ़ते हैं। अब क्रियाओं पर ये दोनों पता रहने चाहिए आपको, ठीक। चलिए, एक और चीज, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जैसे कि भैया ये बेंजीन भी अपने आप में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इस बेंजीन के ऊपर मैंने CH3 लगा दिया, ये भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसके ऊपर मैंने C2H5 लगा दिया, ये भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ये सभी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, राइट। जिसमें बेंजीन की संरचना मिले और कार्बन और हाइड्रोजन मिल रहा है तो वो क्या है, हाइड्रो और कार्बन। एरोमेटिक का मतलब उसमें बेंजीन की संरचना जरूर होगी, राइट। तो बेंजीन की संरचना एरोमेटिक और हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन हो उसमें और कार्बन हो, बन गया हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब इस अभिक्रिया पर आते हैं, अभिक्रिया बेसिक तौर पर कहती क्या है। अभिक्रिया इस तरीके से चुटकियों में याद हो जाएगी कि कभी आपको भूलने की तो आवश्यकता ही ना पड़ेगी। देखिए किस तरीके से, अभी हमने क्या लिया था,
एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड, एरिल, ठीक है। दो चीज बातें याद रखिए, एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड को सोडियम के साथ गर्म कर दें, किसके साथ, सोडियम धातु के साथ गर्म कर दें, या केवल एरिल हैलाइड को, केवल एरिल हैलाइड, केवल एरिल हैलाइड और सोडियम धातु को गर्म करते हैं। और एक खास बात और है, इसको किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, क्या, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, एरोमेटिक हाइड्रो कार्बन बनता है, हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को हम वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, एल्किल हैलाइड तथा एल्किल, एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड, अथवा या केवल एरिल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को हम वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। एक बार लिख देते हैं इसकी परिभाषा और लिख लो, तो लिखने के बाद में आपको ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड, एल्किल हैलाइड और एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड, अथवा, अथवा लगा दो या लगा दो, अथवा केवल एरिल हैलाइड, केवल एरिल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं तो क्या बोला है, जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड इन दोनों को या केवल एरिल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनता है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनता है। इसी अभिक्रिया को वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं, राइट। तो ये है, देख लो क्या बोला था, या तो देखिएगा एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड के साथ सोडियम को गर्म कर दें, या फिर केवल एरिल हैलाइड ले लो और सोडियम धातु को गर्म कर दो, तो हमारा क्या बनेगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनता है। या तो इन दोनों कंडीशन को एक साथ गर्म कर दो या केवल इसके एरिल हैलाइड के साथ सोडियम डालकर गर्म कर दो तो भी वही बनेगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनता है। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो नॉर्मल तौर पर क्या हो जाएगी परिभाषा, याद क्या हो जाएगी, देखो परिभाषा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में
जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनता है। इसी अभिक्रिया को हम वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। या फिर इस अभिक्रिया को ऐसे ही बोल सकते हो, दोनों को मिक्स करके बोल दो कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड को या केवल एरिल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनता है। इसी अभिक्रिया को हम वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। राइट, चलिएगा, तो ये अभिक्रिया तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक बार और आपको मैं बता दे रहा हूं क्या है। एल्किल हैलाइड और एरोमेटिक हैलाइड यानी कि एरिल हैलाइड दोनों को सोडियम के साथ या केवल एरिल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनता है। इसी अभिक्रिया को हम वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। अभी चलिए भाई, पहले रिएक्शन बनाते हैं, पहली वाली रिएक्शन बनाते हैं। देखिएगा, पहली वाली रिएक्शन में यहां से लिखना प्रारंभ कर रहा हूं। सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का मतलब क्या, CH3Cl ले लिया। ये क्या है आपका, मेथिल क्लोराइड। इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। ठीक है, वैसे ये क्या है, एल्किल हैलाइड है। राइट, इसकी क्रिया ये और दूसरी चीज क्या थी, एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड का मतलब क्या है, हमने क्या लिया, इस बेंजीन के ऊपर, बेंजीन के ऊपर मैंने Cl लगा दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, Br भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, Cl लगा दिया मैंने, ज्यादा बेटर रहेगा। प्लस इसमें क्या था कि भैया सोडियम डालकर गर्म कर दो। सोडियम डालकर किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, लिख देंगे शुष्क ईथर। शुष्क ईथर की उपस्थिति हमने इसको क्या कर दिया, गर्म कर दिया। और यह है आपका क्लोरो बेंजीन। ठीक है, एल्किल हैलाइड एरिल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या बनता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनता है। देखिएगा, एरोमेटिक का क्या है कि भैया बेंजीन के ऊपर कोई भी हाइड्रोकार्बन लगा दो, हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन कहां पर है, ये देखिएगा, ये CH3 है, तो यहां पर क्या जुड़ जाएगा, ये आपका CH3 यहां पर जुड़ जाता है। बचा क्या, नॉर्मली देखो ये Cl और ये Cl है, दो Cl बच रहे हैं। और मैंने क्या बताई थी, जब इधर की साइड में Cl और सोडियम दिखाई दे जाए, कल वाली बात याद है, तो आप आंख मीच के कितने Cl हैं, दो Cl हैं, तो भैया दो NaCl निकलेगा ही निकलेगा। क्या निकलेगा, दो NaCl निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि दो Cl दिखाई दे रहे हैं और यहां पर सोडियम दिखाई दे रहा, तो आंख मीच के ये मत देखो कि यहां पर अकेला सोडियम है, नहीं, दो Cl है तो दो NaCl ही निकलेगा। अब दो NaCl निकल गया तो यहां पर क्या होगा, जो सोडियम परमाणु यहां पर दो हो गए, तो इधर भी आपको सोडियम दो करने पड़ेंगे, ये हो जाएगा सोडियम परमाणु दो हो गए। अब रिएक्शन बराबर होगी। इसका नाम आप लोग भली भांति जानते होंगे, क्या, टोलिन आप लोग जानते हैं। ठीक है, यही है आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। राइट, चलिएगा, बन गया। ठीक, चलिए अब दूसरी रिएक्शन भी बना के दिखा दे रहा हूं। वैसे एक ही आपकी बोर्ड परीक्षा में आ जाए तो आप एक रिएक्शन ही लिख के आना, लेकिन मैं दूसरी भी आपको सिखा दे रहा हूं कि ये देखिएगा, इसमें क्या था, केवल एरिल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ गर्म कर दो, या तो इन दोनों को सोडियम धातु के साथ गर्म कर दो या केवल एरिल हैलाइड। केवल एरिल हैलाइड का मतलब क्या है, देखिएगा, मैं एक ले ले रहा हूं यहां से, ये देखिएगा, ये ले लिया मैंने, एरिल हैलाइड, केवल एक ले लिया। इसको मैंने क्या कर दिया, सोडियम धातु के साथ मैंने क्या कर दिया, गर्म कर दिया। और ये किसकी उपस्थिति में, वही शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैंने इसको गर्म किया, तो क्या बनेगा भाई, हमारे पास में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनेगा। तो याद रखना, जब भी कभी भी ये अकेला, जब अकेले को हम गर्म कर देते हैं तो हमारा यहां पर क्या होता है, यहां पर दो अणु लिए जाते हैं इसके। कितने लिए जाते हैं, दो अणु, यहां पे लिख दूंगा मैं, दो अणु, ये दो अणु लिए जाएंगे। दो अणु का मतलब क्या है कि यहां पर हमारा क्या होता है, ये एक अणु, ये इस तरीके से, तो ये दोनों अणु आपस में क्या हो जाते हैं, संयुक्त हो जाते हैं।
ये संयुक्त हो गए। यहां पर दो अणु का मतलब क्या है कि ये आपस में इस तरीके से, ठीक है, दो अणु इस तरीके से थे, ये दो अणु, ठीक है, आप दो अणु लिख दीजिए या यहां पर डबल बना दिए, दो अणु लेते हैं। ये दो अणु लेंगे तो मतलब क्या है कि यहां से ये दो Cl निकले, तो सिंपल सी बात है, दो अणु है तो दो Cl निकलेंगे, तो वही चीज दो Cl के साथ में यानी कि दो NaCl मिलकर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखना जरा भाई, ये दोनों चीज, ये वाली चीज दोनों आपस में जुड़ गई, ज्वाइंट हो गई, यहां से दो Cl बचे, यहां से दो लगा देंगे इसमें दो Na, और इसके साथ में जुड़कर क्या बनेगा, दो NaCl निकल जाएगा। तो भाई इस चीज का नाम क्या होता है, बाईफेनिल, क्या बोलेंगे इसको, बाईफेनिल, केवल बाईफेनिल बोल दीजिए, राइट। तो ये आपकी रिएक्शन बनके तैयार हो गई, ठीक है। तो आप चाहो तो इसके दो अणु लिख सकते हो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इसमें इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, ठीक है, ये इस तरीके से, राइट। तो ये आपकी रिएक्शन बनके तैयार होगी, ठीक। तो आई होप कि आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी, तो पेपर में इसकी वजह इसको लिखा ना ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट। तो आपको रिएक्शन समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे खुश हंसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।